الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون برادر الإسلام हम और आप यकीनन माह रमज़ानुल मुबारक के महीने में शब और रोज़ गुजार रहे हैं। यकीनन ये महीना बहुत ही बाबरकत रहमत और मग़फ़िरत और फ़ज़ीलत वाला महीना है। मैं आपके सामने आज के दर्स में रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल के मुतालिक चंद बातें पेश करूँगा। रमज़ान मुबारक वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन रहमत के दरवाज़े खोल देता है, जन्नत के दरवाज़े खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर देता है। इस महीने में शर्क शयातीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन जकर देता है। इस्लामी साल के 12 महीने जिनमें नौवां महीना जो है रमज़ान मुबारक का महीना, इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक से नौवां महीना रमज़ान मुबारक का महीना होता है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए दस्तूर हयात के तौर पर कुरान मजीद को नासिल फरमाया। इस बाबरकत महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों के ऊपर रोज़े को फ़र्ज़ करार दिया। जब चाँद नज़र आता है हम और आप रमज़ान मुबारक की तैयारी में मसरूफ़ रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला भी हमारे लिए तैयारी करता है, जन्नत को बेहतरीन अंदाज में सजाकर जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़े को बंद कर देता है, शरकत शयातीन को जगड़ देता है ताकि वो इंसानों को इस तरह न बरगला सके जैसा कि रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद शैतान इंसानों को बरगलाता है। और ये बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत अच्छे अंदाज से कर सके तो अल्लाह ने इस महीने में हमारे ऊपर मुसलमानों के ऊपर रोज़े को फ़र्ज़ करा दिया। रोज़ा के 4 अकसाम हैं। पहला रोज़ा फ़र्ज जो माह रमज़ान मुबारक के रोज़े, कज़ा रोज़े, नज़र के रोज़े ये शामिल है, यानी ये रोज़ा हम मुसलमानों पर फ़र्ज़ किया गया। दूसरा रोज़ा मसनून रोज़ा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन, जुमेरात के दिन, यौम अरफा के दिन, यौम आशूरा के दिन, अय्याम बाईस के रोज़े और शव्वाल के 6 रोज़े शामिल है, ये मसनून रोज़ा है। तीसरा ये कि मकरूह रोज़ा जो जुमा के दिन या शनीचर के दिन बिलखसूस खासकर जुमे के रोज़ा दिन रोज़ा रखना या शनीचर के दिन रोज़ा रखना खासकर ये मकरूह रोज़ा है और इसी तरीके से हमेशा रोज़ा रखना ये भी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। चौथे अकसाम रोज़े के ये है हराम रोज़ा यानी अय्याम यानी ईद उल अज़हा और ईद उल फितर के दिन, अय्याम तशरीक के 11, 12, 13 इन अय्याम रोज़ा रखना हराम है। और औरत क्या अपने शौहर की इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा रखना भी हराम है। ये रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लामी अरकान में से अरकान-ए-खमसा में से है, कुरान से भी दलील है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी दलील और इजमा उम्मत का भी इस बात पर साबित है। आइए देखते हैं दलील कुरान से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ايمان والو मैंने तुम पर रमजान के रोजे फर्ज किए। अल्लाह फरमा रहा ईमान वालों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर रमजान के रोजे फर्ज कर दिए। पता चला कि इस्लाम ने रमजान के रोजे सिर्फ ईमान वालों पर और मुसलमानों पर फर्ज कर दिया है, और अगर काफिर भी रोज़ा रखता है तो उसका उसको कोई अजर और सवाब नहीं मिलेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा फ़र्ज कर दिया है, ईमान वालों के ऊपर रोज़ा फ़र्ज किया है, काफिरों के ऊपर रोज़ा फ़र्ज नहीं है।
और अगर काफिर रोजा रखता भी है तो उसका तो सवाब नहीं मिलेगा। इसी तरीके से मजनून पागल के ऊपर रोजा फर्ज नहीं है जब तक कि वो सही नहीं हो जाए। इसी तरीके से नाबालिग के ऊपर रोजा फर्ज नहीं जब तक कि वो सन बलूगत को नहीं आ जाए। हाँ ये और सी बात है कि अगर वो बच्चा रोजा रखता है तो उसका उसको जो सवाब मिलेगा। जो अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालों मैंने तुम पर रमजान के रोजे फर्ज कर दिए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर भी रोजा फर्ज था। लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम तकवा इख्तियार करने वाले बन जाओ, मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ। أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر। गिनती के चंद दिन है जो रमजान के एक महीने को रोजे को अल्लाह ने फर्ज किया। गिनती के चंद दिन है, अगर इन अयाम में तुम बीमार हो या सफर में हो तो इन गिनती को अपने किसी और महीने में किसी और दिनों में पूरा कर लो। وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ और अगर तुम इसकी ताकत नहीं रखते हो कि रोजा रखे, इतने बीमार और कमजोर लागर हो तो फिदिया के तौर पर एक मिस्कीन को खाना खिला दो रोजाना। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन अंदाज से बता दिया। فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ। लेकिन तुम में से कोई शख्स सबकत कर लेता है, सबकत लेना चाहता है तो उसके लिए बेहतर यह है कि वो रोजा रख ले, ये अच्छा काम है। क्योंकि अगर तुम्हें उसके बारे में मालूम हो कि रोजा रखना कितना बेहतरीन अमल है। अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमजान का एक रोजा जिसने जानबूझकर छोड़ दिया फिर वो पूरी जिंदगी रोजा रखता है तब भी उसका अजर सवाब उसको उतने बराबर नहीं मिलता। हाँ कज़ा कफारा हो जाएगा, कज़ा हो जाएगा अदा, लेकिन जो अजर और सवाब रमजान के रोजों में है वो किसी और दिनों में नहीं है। इसीलिए बेहतर यह है तुम्हारे लिए, खैर का काम यह कि तुम रोजे रख लो। شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان। رمضان का महीना वो महीना जिसमें अल्लाह ने कुरान को नासिल किया है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान के महीने में एक बारगी के साथ कुरान को नासिल किया है। पहले आसमान पर बैतुलमुक्दस में उसको सेव करके रख दिया, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हस्ब जरूरत रमजान के अलावा हस्ब जरूरत अल्लाह ने कुरान को नासिल कर दिया, यहां तक कि 23 साल की मुद्दत में कुरान नासिल हुआ। तो पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रमजान के महीने में कुरान को नासिल किया। فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر। तो जो शख्स इस महीने को पाए, रमजान का महीना पाले, तो उसे चाहिए कि वो रमजान के रोजा रख ले। बेहतर यही कि वो रोजा रख ले, और अगर रोजा नहीं रख पाता बीमारी की वजह से या सफर की वजह से तो फिर अल्लाह फरमाता है कि ये गिनती किसी और दिनों में पूरा कर लो। यूरीद अल्लाह बिकुम अल-युस्रा वला यूरीद बिकुम अल-उस्रा। अल्लाह तबारक व तआला का तुम्हारे साथ आसानी का वो सख्ती करना नहीं चाहता है, आसानी देना चाहता है। और अल्लाह की दी हुई हिदायत पर बड़ाइयां बयान करो, उसका शुक्र अदा करो। तो बिरादरान इस्लाम और सामीन इकराम, तो इस कुरान की आयतों से पता चला कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के ऊपर रमजान के एक महीने के रोजे को फर्ज करार दिया। सुन्नत से दलील, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बुनियाद इस्लाम अला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस्सला व इताइज़्ज़का व हज व सौम रमजान। कि इस्लाम की बुनियाद पांच अरकानों पर है, इस्लाम की बुनियाद पांच सुतून पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरक नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। नमाज कायम करना, ज़कात देना, हज अदा करना और रमजान के रोजे रखना। सुन्नत दलील से भी पता चला कि रमजान का रोजा रखना अरकान इस्लाम में से। आओ अगर कोई शख्स इनकार कर देता है, इजमा उम्मत से यह साबित है
کہ اگر کوئی شخص روزہ کے وجوب کو انکار کر دے اور روزہ کو نہیں مانتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے اور ایسا شخص کافر ہے۔ تو برادر اسلام، ہمیں یہ پتا چلا کتاب اللہ سے اور سنت رسول اللہ سے اور اجماع امت سے کہ اے انسانوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، تم پر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا۔ اب جو شخص روزہ نہیں رکھتا ہے، روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں سویا ہوا تھا، خواب میں دیکھا کہ دو شخص میرے باسوں کو پکڑا اور کہا چڑھائی کیجئے پہاڑ کے اوپر، تو میں نے جب دیکھا کہ کچھ لوگوں کو مختلف قسم کے عذاب میں مبتلا، پھر میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے جن کو دیکھا میں نے کہ پاؤں اوپر ہے، اس کے منہ نیچے ہیں اور اس کے باچوں کو چیر دیا جا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہے جو رمضان کا مہینہ پاتا تھا، رمضان کے مہینے میں زندگی داخل ہوتی تھی اس کی، رمضان کے مہینے میں صحت اور تندرستی سے ہوتا تھا، لیکن رمضان کے روزے کو نہیں رکھتا تھا، افطار کر لیا کرتا تھا۔ آج مسلمانوں کی تعداد کتنی ساری ایسی ہیں، رمضان کا مہینہ آیا نیکیوں کو کمانے کے لیے، رمضان کا مہینہ آیا اجر و ثواب کمانے کے لیے، رمضان کا مہینہ آیا اپنے گناہوں کی مغفرت اور تلافی کرانے کے لیے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کے لیے، لیکن آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ ایسا ہے جو روزہ چھوڑ کر دنیا کمانے میں مصروف ہے اور روزے کی فرضیت کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، اور روزہ صرف کھانے پینے سے رک جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ کام سے رک جانے کا نام ہے جس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا ہو۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہر وہ کام جو روزہ توڑنے والی چیز ہو، اس سے رک جانے کا ہی نام ہے روزہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں رمضان کی فضیلت، اس کے برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں رمضان کے روزے